शिव योगिनी, कर्म योगिनी, रणरागिनी, महारानी अहिल्या देवी की प्रेरणा से उन्हीं के शब्दों में मैंने उन्हीं को समर्पित करते हुए मैं अहिल्या हूँ आत्मकथात्मक उपन्यास लिखा है, जिसमें देवी अहिल्याबाई के प्रेरणास्पद जीवन में निहित संस्कार, संस्कृति, भारतीय मूल्यों और परंपराओं के साथ उनके पुण्य कार्य, राजनीति और युद्ध कौशल का वर्णन किया है। उन्हीं के शब्दों में मैं अहिल्या हूँ उपन्यास आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझे हरकोबाई सासू माँ का हमेशा साथ मिला, तब से जब से मैं विवाह करके इंदौर आई थी। बाबा साहब से सासू माँ का विवाह तलवार के साथ हुआ था, इसीलिए उन्हें खांडारानी कहते थे। वे मुझसे उम्र में कुछ ही बड़ी थी, इसीलिए मैं निसंकोच उनसे अपने मन के बात कह पाती थी। वह हमेशा कहती, सुन भाई, तुमने तुम्हारे बाबा साहेब की विरासत को उन्हीं की तरह संभाला, प्रजा को आधार दिया, उनको न्याय दिया, उनके हितों की रक्षा की। एक बार मैं हरकोबाई सासू माँ से चर्चा में व्यस्त थी, तभी सेविका ने आकर कहा, बाहर एक स्त्री आपसे मिलना चाहती है, बहुत व्याकुल है और रो रही है। मैं तुरंत उठकर दालान में आई। वह स्त्री तुरंत मेरे चरण स्पर्श कर रोती हुई बोली, महारानी साहेब, मैं बहुत आशा से आपके पास आई हूँ। आप लोक माता हो, न्याय दयानी हो, पुण्यशील हो, प्रजा हितकारिणी हो। मातोश्री, मेरे साथ न्याय कीजिए। मैंने उसे सर सम्मान बिठाया। सासू माँ ने पूछा, क्या हुआ है, निसंकोच बताओ। सुनबाई के राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। वो बोली, राजमाता, मेरे पति का देहांत हो गया है। वो मेरे जीवन यापन के लिए काफ़ी संपत्ति छोड़ गए हैं, लेकिन मैं निसंतान हूँ और मेरे करीबी रिश्तेदार का पुत्र दत्तक लेना चाहती हूँ, परंतु मेरे रिश्तेदार मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि मैं उनके किसी रिश्तेदार को दत्तक लूँ। इधर आपके कर्मचारी कह रहे हैं कि मैं दत्तक न लूँ और पूरी संपत्ति सरकारी खजाने में जमा करानी होगी। हे धर्मपरायण मातोश्री, मुझे हक दीजिए कि मैं अपनी मर्जी से दत्तक ले सकूं। दीवान गमगो और तात्या बीच में ही बोले, महारानी साहेब, इनको अगर दत्तक लेने की स्वीकृति देते हैं तो सरकारी खजाने में इनकी संपत्ति नहीं आएगी और सरकारी खजाने का नुकसान होगा। मैं क्रोध से तिलमिला उठी। गंगोबा तात्या, क्या होलकर राजवंश का खजाना मालवा की निराश्रित विधवा की संपत्ति से भरा जाना है? इनके रिश्तेदारों को कड़ी सूचना दें कि ये अपनी मर्जी से दत्तक लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इनका सम्मान हमारे मालवा का सम्मान है। हमारे राज्य में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है और न होगा। मैंने उस स्त्री को ससम्मान विदा किया। एक दिन दरबार में राजकाज संबंधी विचार विमर्श चल ही रहा था कि सेवक ने आकर सूचना दी, कवि अनंत पंडित आपके दर्शन करना चाहते हैं। मैंने उन्हें तुरंत बुलाया और सम्मान के साथ आसन पर बिठाया। अनंत फंदी बोले, हे शिव योगिनी,
प्रातः स्मरणीय मातोश्री, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। मैं डफली के साथ काव्य गायन कर अपनी जीविका चलाता हूँ। आपकी कीर्ति सुन आपके दर्शन करने चला आया। होलकर वंश की महारानी, आपके दर्शन पा मैं धन्य हुआ। मुझे आज्ञा दे, मैं आपको अपना काव्य सुनाना चाहता हूँ। ठीक है अनंत फंदी, मैं सुनना चाहूँगी। अनंत फंदी डफली बजाते हुए काव्य में मेरी स्तुति सुनाते रहे। सुनाकर बोले, लोक माता, कैसा लगा मेरा गायन? मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, अनंत फंदी जी, आप ब्राह्मण हैं, आप हमारे लिए वंदनीय हैं, पर आप मुझ पर कविताएं क्यों लिख रहे हैं? इंसान तो नश्वर है, आप उस ईश्वर पर कविता लिखिए जिसने नर्मदा की पवित्र जलराशि बनाई, सुंदर निसर्ग बनाया। मुझे बहुत खुशी होगी जब आप भक्ति काव्य लिखेंगे। अनंत फंदी जी बोले, हे यार राजयोगिनी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य, अब इस डफली पर केवल भक्ति काव्य ही सुनाऊंगा। मैंने पूछा, कविराज, आपको यहाँ तक पहुँचने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? अनंत फंदी ने कहा, माँ साहेब, जब मैं इधर आ रहा था तब रास्ते में भील लोगों ने मुझे पकड़ लिया और आने का प्रयोजन पूछा। मैंने उन्हें बताया कि अहिल्या माता के लिए दर्शन के लिए जा रहा हूँ और उन्हें आप पर लिखा काव्य सुनाया। आपका नाम सुनते ही वो अत्यंत खुश हुए। उन्होंने तुरंत मुझे पोशाक और धन उपहार में दिए और साथ में सुरक्षा के लिए भील दिए, जो मुझे महेश्वर तक छोड़ कर गए। माँ, आपकी कीर्ति अजर अमर हो, आप साक्षात दुर्गा माता हो। अब आपके आशीर्वाद से मैं हरिदास बनकर केवल ईश्वर के भक्ति गीत गाऊंगा। मैंने उन्हें अनेक उपहार देकर विदा किया। वे बार बार वंदन करते हुए भक्ति गीत गाते हुए विदा हुए। महेश्वर की दिनचर्या व्यवस्थित रूप से अभी शुरू ही हुई थी कि और एक संकट की आहट राज्य पर सुनाई देने लगी। मुझे आजकल गंगोबा तात्या की गतिविधियां कुछ संदेहास्पद लग रही थी, पर जब तक विश्वसनीय सूत्रों से कुछ खबर नहीं मिलती, मैं उनसे कुछ पूछ नहीं सकती थी। वे राज्य के पुराने कारभारी थे, बाबा साहेब के साथ ही इंदौर आए थे और तब से हमारे साथ ही थे, लेकिन राज्य का वारिस न होने से उनके दिमाग में षड्यंत्र जन्म लेने लगा था, पर मेरी कड़ी नज़र उन पर थी। तभी मुझे सूचना मिली कि गंगोबा तात्या ने राघोबा दादा को पत्र लिखा है। बाई साहेब शोक सागर में डूबी हैं, संपत्ति लावारिस है, आप आकर संपत्ति का कारोबार संभाल लें। यहाँ सभी शोक में हैं, आपका तुरंत आना समयोचित होगा। राघोबा दादा का कुटिल मस्तिष्क तुरंत समझ गया कि गंगोबा तात्या का इरादा क्या है। राघोबा दादा अच्छी तरह जानते थे कि इस समय होलकर राज्य की संपत्ति 5 करोड़ से 15 करोड़ रुपये तक है। मुझे संदेशा मिला कि राघोबा दादा गंगोबा तात्या का संदेश पा शिप्रा की ओर चल पड़े हैं। अब तो गंगोबा तात्या का इरादा साफ नज़र आ रहा था। वे राघोबा दादा की सहायता से अपने परिवार के किसी सदस्य को होलकर राज्य का वारिस बनाना चाह रहे थे।
इतनी जानकारी मिलते ही मैं गंगोबा तात्या का षड्यंत्र विफल करने में जुट गई। हमेशा बाबा साहेब का दाहिना हाथ रहे तुकोजी राव खोलकर को मैंने तुरंत संदेश भेजा, फौज को वहीं छोड़कर आप तत्काल यहाँ आए, अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यहाँ आकर पिए। मैं जानती थी कि इन दिनों श्रीमंत माधवराव पेशवा और राघव दादा के बीच मनमुटाव चल रहा था। मैंने श्रीमंत माधवराव पेशवा जी को पत्र लिखा, राजा श्री अहिल्याबाई होलकर गोसावी अखंडित लक्ष्मी अलंकृत का राजमान्य स्नेहांकित माधवराव बल्लाल पेशवा प्रधानमंत्री को अनेक आशीर्वाद। पता चला है कि तीर्थ रूप राघोबा दादा पेशवा फौज की तैयारी कर नजराना लेने के लिए महेश्वर पधार रहे हैं और इस संबंध में वे निवेदन है कि मेरे ससुर मल्लाराव होलकर ने निष्ठापूर्वक मालिक की सेवा कर अपना जीवन मुहिमों में बिताया। मेरे पति खंडेराव जी ने भी सरकार की सेवा में अपनी जान गंवाई। पुत्र मालेराव की मृत्यु हुई। मैंने निजी तथा सरकारी दोनों अधिकार आज तक चलाए और संपत्ति की रक्षा कर होलकर कुल का नाम ऊंचा रखा है। यहाँ विनती है कि तुकोजीराव होलकर को सरकार की नौकरी के लिए उपयुक्त समझकर उनके नाम वस्त्र भिजवाने की कृपा करें। इस पत्र के बाद शिंदे, भोंसले, गायकवाड़, दाबाड़े आदि सभी सरदारों को भी महेश्वर से पत्र भेजे। पत्र में लिखा था, स्वर्गवासी सूबेदार ने श्रीमंत पेशवा के राज्य की नींव डालकर अपने हाथों से इमारत खड़ी की है, ईश्वर आज हमसे नाराज है। दरअसल ऐसे समय राज्य की रक्षा में हमारा साथ पाकर सेवा करवा लेना उचित हो जाता, लेकिन इसके बजाय राज्य के बारे में मन में पाप बुद्धि रखी। आज जो हम पर बीती है कल आप पर भी बीत सकती है, इसे ध्यान में रखकर मदद के लिए फौज भेजें। मैंने सरदारों को जो पत्र भेजे उससे वे सोच में पड़ गए। उन्हें ये बात सोचने पर मजबूर कर रही थी कि जो आज अहिल्याबाई पर बीत रही है कल उन पर भी बीत सकती थी, इसीलिए वे सभी मेरी मदद के लिए तैयार हो गए। मैं खुफिया तौर पर अपनी तैयारियों में व्यस्त थी, तभी इन सब तैयारियों से अनजान गंगोबा तात्या अपनी कुटिलता को सद्भावना के आवरण में छुपाकर हमसे मिलने आए। हमने औपचारिकतावश उनकी कुशल क्षेम पूछी। कुछ देर वे मेरे चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करते रहे, फिर वे चेहरे को गंभीर बनाते हुए बोले, महारानी साहेब, श्रीमंत मालेराव जी की मृत्यु के उपरांत से आप शोक में डूबी हुई हैं। होलकर वंश इस समय बेवारिस है, जिसकी वजह से राज्य का कामकाज प्रभावित हो रहा है। राघोबा दादा आपके हितैषी हैं, वे चाहते हैं उनकी सलाह से आप दत्तक लें ताकि राज्य को वारिस मिल जाए। हम भी दादा साहेब को नजराना पेश कर देंगे। दादा साहेब ने कहा है जब राज्य को वारिस मिल जाएगा तब आपके निवास की और देव धर्म की व्यवस्था भी वे सुचारू रूप से कर देंगे, इस विषय में आप निश्चिंत रहें। गंगोबा तात्या की बात ऊपर से मैं शांत भाव से सुन रही थी, लेकिन मेरे मस्तिष्क में क्रोध की चिंगारियां फूट रही थी। उन्होंने बात समाप्त की और मेरी ओर जवाब के लिए आशा भरी नजरों से देखना शुरू किया, लेकिन
अब मेरे क्रोध का बांध फूट चुका था। मैंने आवेश में तमतमाकर कहा, आपका प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं। स्वर्गीय सूबेदार जी के वारिसों में एक की मैं पत्नी हूँ और दूसरे की माता। यदि दत्तक चुनना है तो उसकी अधिकारिणी मैं हूँ। यह अधिकार मैं श्रीमंत पेशवा जी को भी नहीं दूंगी, न ही किसी को नजराना दूंगी। राज्य के हित की चिंता मुझे है, मेरे रहते प्रजा को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगी। गंगोबा तात्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें तो उम्मीद थी कि मैं उनकी कूटनीति के चक्रव्यूह में फंस जाऊंगी। मैंने उनसे कहा, जाइए और राघोबा दादा को मेरा संदेश देना, कहना एक महिला के साथ युद्ध करने न आए, अगर आए तो उन्हें बेइज्जती ही सहनी पड़ेगी। थोड़ा ही समय गुजरा था कि सूचना मिली कि गंगोबा तात्या और राघोबा दादा बड़ी फौज लेकर शिप्रा तट पर आ पहुंचे हैं। गंगाधर चंद्रचूड़ तात्या की दगाबाजी देख बहुत मनस्ताप हुआ। राज्य का वारिस नहीं, इस अवसर का वो लाभ उठाना चाह रहे थे, राज्य पर चढ़ाई करना चाह रहे थे। उनकी दगाबाजी देख मैं क्रोध से थमथमा गई। हरकुबाई सासू माँ पास ही मंच पर बैठी थी, वो भी आश्चर्य से बोली, अहिल्या ये क्या सुन रही हूँ मैं? गंगोबा तात्या के साथ श्रीमंत पेशवा की ओर से राघोबा दादा भी शामिल हैं। सुन भाई, तुम्हें अपना शौर्य दिखाना ही होगा। स्वामी ने तुम्हें जो शिक्षा दी है आज उसकी परीक्षा है। हाँ सासू माँ, मुझे दुख है कि श्रीमंत पेशवा की भी मर्जी इसमें शामिल है। गंगाधर तात्या और राघोबा दादा मुझे स्त्री होने के नाते यदि कमजोर समझ रहे हैं तो ये उनकी भूल है। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। कंधे पर भाला लेकर जब युद्ध के मैदान में उतरूंगी तो न जाने उनके कितने सैनिकों को मौत के घाट उतार दूंगी। सासू माँ बोली, हाँ अहिल्या, मुझे विश्वास है तुम जरूर उनको सबक सिखाओगी। मैंने तुरंत युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। पड़ोस के राज्यों के सरदारों के भी संदेश आ गए। हम तुरंत इंदौर की ओर कूच कर रहे हैं, चिंता न करें। मैंने 500 महिलाओं की सेना तैयार की। राज्य की कितनी ही महिलाएं उत्साह से फौज में शामिल हो रही थी। उनको भरपूर गोला बारूद और शस्त्र दिए ताकि उनमें और अधिक शक्ति का संचार हो। मैंने तो केजुराव को भी पत्र लिखा। गंगोबा तात्या ने होलकर राज्य के साथ दगा किया है, वो राघोबा दादा के साथ 50,000 फौज लेकर इंदौर पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। आप तुरंत अपनी फौज लेकर इंदौर की ओर प्रस्थान करें। हमें सूचना मिली कि गंगोबा तात्या और राघोबा दादा शिप्रा नदी तक आ पहुंचे हैं। शिंदे, गायकवाड़ और तुकोजराव की फौज सामना करने के लिए सज्ज खड़ी थी। सारे सरदारों ने तुकोजीराव से सलाह मशवरा किया और राघोबा दादा को पत्र के साथ संदेश दिया, अगर आपने शिप्रा पार करने की जरूरत की तो खबरदार, पहले हमसे युद्ध करें फिर शिप्रा पार इंदौर आना। अब तो आप युद्ध के लिए तैयार रहें। अपनी सेना की इस बहादुरी से मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। महाजी शिंदे भी बार बार राघोबा दादा को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अहिल्याबाई से न उलझें, पर लालच ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी।
मेरे लाडले हाथी को भी सजाया गया। हाथी के अंबारी के चारों कोनों में बाण रख दिए। मैं हाथी पर सवार हो युद्ध के लिए महेश्वर से उज्जैन के लिए चल पड़ी। रास्ते में मेरी प्रजा मेरा भव्य स्वागत कर रही थी। मेरे साथ मेरे खास सैनिक थे जो मेरे नाम का जयघोष हो रहा था। मुझ पर फूल बरसाए जा रहे थे, आरती उतारी जा रही थी। मुझे वीरांगना होलकर कुलभूषण, होलकर कीर्ति ध्वजा, युगंधरा आदि नामों से पुकारा जा रहा था। प्रजा का प्रेम देख मैंने मल्लारे मातन के प्रति आभार व्यक्त किया और मन ही मन प्रजा को यह विश्वास दिलाया कि युद्ध में जीत हमारी ही होगी। इन सब गतिविधियों की सूचना राघोबा दादा तक उनके सेवक पहुंचा रहे थे। मैंने फिर पत्र लिखकर राघोबा दादा को संदेश पहुंचाया। मुझे असहाय अबला स्त्री समझकर मेरा राज्य हड़पना चाहते हो तो सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारे इरादे कभी पूरे नहीं होने दूंगी। और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर मैं युद्ध में हार भी गई तो मुझे कोई दोष नहीं देगा, पर तुम अगर मुझसे युद्ध में हार गए तो एक महिला से हार का कलंक तुम्हें जिंदगी भर सहना होगा। तुम जिंदगी भर दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, ये कलंक जिंदगी भर तुम्हारा पीछा करता रहेगा। अब तो राघोबा दादा समझ गए कि अहिल्याबाई राजनीति और युद्ध नीति दोनों में ही कुशल है। राज्य की जनता के लिए भी ये पूज्य है, और तो और श्रीमंत पेशवा जी का भी संदेश उन्हें पहुंच गया। राघोबा दादा गंगा जल निर्मल अहिल्याबाई के विरुद्ध अपनी साजिशें रोक दें। वे अपने राज्य की महारानी हैं, वे अपना कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। गंगोबा तात्या और राघोबा दादा समझ गए कि अहिल्याबाई के साथ सारा जन समर्थन है। सारे सरदार और श्रीमंत पेशवा खुद उनके साथ हैं। अब तो पीछे हटने में ही समझदारी है, नहीं तो जन्म भर एक स्त्री से युद्ध हारने का कलंक सहना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत पैतरा बदला और मुझे पत्र से संदेश भेजा। गंगा जल निर्मल मातुश्री अहिल्याबाई, आपको कुछ गैर समझ हुआ है। हम इंदौर पर हमला करने नहीं आए, हम तो सूबेदार मल्लार राव के हितेशी रहे हैं। आपको तकलीफ देने की हम स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते। हमें तो आपके पुत्र मालेराव जी के निधन का समाचार मिला और हम उसी के निमित्त सांत्वना देने आपके पास आ रहे हैं। मैंने इस पत्र के बाबत तुकोजी राव को बताया। उन्होंने तुरंत इस पत्र का जवाब देते हुए गंगोबा तात्या को संदेश भेजा। मातोश्री को पुत्र शोक हुआ है, इसलिए अगर आप सांत्वना प्रकट करने हेतु आना चाह रहे हैं तो उसके लिए इस विशाल फौज की क्या आवश्यकता थी। अगर आप सांत्वना प्रकट करना आने चाहते हैं तो अकेले ही इंदौर आए, आपका स्वागत है। फिर तो राघोबा दादा को लेकर तुकोजी राव इंदौर आए। महीना भर तक उनकी मेहमान नवाजी की गई और जाते समय कई उपहार भी दिए। एक महीना इंदौर रहकर राघोबा दादा लौट गए। उसके बाद तो राघोबा दादा हमेशा मुझसे अदब से पेश आए। उनके साथ ही दूसरे लोग भी समझ गए कि जिसे सूबेदार मल्ला राव ने राजनीति युद्ध नीति में शिक्षित किया है उसे किसी भी क्षेत्र में हराना मुश्किल है।